अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से। और वहीं मलक आपको आज लेके आया है एक अबेंडन स्टेशन रतियाल, जो कि रावलपिंडी लाला मूसा सेक्शन के अंदर मौजूद 1409 ML1 माइलस्टोन, यानी कि 1409 किलोमीटर दूर है ये किमाड़ी पोर्ट से। और 14/12/2021 से रतियाल रेलवे स्टेशन जो कि वर्किंग था उसको अबेंडन कर दिया गया था। और 2 दिसंबर 2023 को जो इसकी लूप लाइंस के कनेक्शन थे, जो स्विचेस थे, वो भी कट कर दिए गए। तो इसका मतलब ये है कि अब ये मुकम्मल तौर पे अबेंडेंड है स्टेशन और ख़त्म हो चुका है, आने वाले दिनों में भी काम नहीं करेगा। और स्टेशन बंद करने की एक ही वजह जो थी वो सामने आई, स्टाफ की कमी, यानी कि अमला जो था वो शॉर्ट था रावलपिंडी डिवीज़न के पास। इस वजह से इन लोगों ने इसको जो है वो बंद कर दिया। तो रतियाल रेलवे स्टेशन के दोनों साइड्स पे जो रेलवे स्टेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर डाउन साइड पे आप जाएं, यानी कि टूवर्ड्स लाहौर की तरफ, तो पहला रेलवे स्टेशन जो है वो दीना, और अगर अप साइड पे जाएंगे आप तो पहला रेलवे स्टेशन डोमेली। तो आज हम रतियाल पे तकरीबन 3 से 4 घंटे गुजारेंगे। अभी सुबह के तकरीबन 8:15 हुए हैं और पहली ट्रेन आपको जो है रेल कार दिखाएँगे इंशाल्लाह, जो सुबह 7 बजे निकली हुई है रावलपिंडी से। और फिर गाहे बगाहे जो ट्रेन यहाँ से गुजरेंगी, जिसमें एयर डाउन तेजगाम, उसके बाद 101 अप, उसके बाद अवाम एक्सप्रेस और 47 अप, रहमान बाबा एक्सप्रेस, जाफ़र एक्सप्रेस, कोशिश करेंगे काफ़ी ट्रेन यहाँ कवर करें। तो जो लोकेशन है वो बिल्कुल जंगल के अंदर है। रोड से कम 4 से 5 किलोमीटर अंदर आने के बाद पगडंडियों में से गुजरते हुए हम आए हैं बाइक्स के ऊपर। मेरे साथ जैन जो गुजरात से हैं हमारे दोस्त, और इसके अलावा हसनैन झेलम से। दोस्तों सुबह के 8:35 हुए हैं और 102 डाउन सुबह की रफ्तार रेल कार सुबह 7 बजे रावलपिंडी से निकली है लाहौर के लिए। और पहला एक्शन देखेंगे आप रतियाल अबेंडेंड रेलवे स्टेशन पे। GU20 लीड कर रहा है जी, और 4567 है। जी सबसे पहले मैं आपको वो इमारत दिखा देता हूँ रतियाल रेलवे स्टेशन की, जो कि 1409 किलोमीटर दूर है किमाड़ी पोर्ट से। इसके अलावा माइल्स के अंदर भी लिखा हुआ है 875 मील दूर कराची से। और ये जो है दरवाज़ा स्टेशन मास्टर साहब के रूम का, जिसको ये तार लगा के बाहर से लॉक किया हुआ है, जबकि अंदर इसके लॉक भी लगा हुआ है। और इसके साथ मज़ीद जो हैं आगे रूम्स हैं वो भी मैं आपको बाहर से दिखाऊंगा। इसके अलावा यहाँ पे जो सबसे अहम हिदायत लिखी हुई है, सांप के काटने के इब्तदाई इलाज के लिए स्टेशन मास्टर से रुजू करें। तो इससे ज़ाहिर हो रहा है कि यहाँ क्योंकि जंगल है और कसीर तादाद में यहाँ पे सांप होते हैं, इस वजह से जो है अमले के लिए हिदायत लिखी हुई है। और जब ये रेलवे स्टेशन वर्किंग था तब सुफियान और हसनैन यहाँ पर आए थे और उन लोगों ने इसको वर्किंग कंडीशन में जो है वो कवर भी किया था। ये सामने रिले रूम, जनरेटर रूम, बैटरी रूम और आगे रेडियो रूम, तो सब ये लॉक है ऑफिसेस। इसके अलावा ये पीछे टावर कम्युनिकेशन के लिए काफ़ी अच्छी लंबी हाइट के ऊपर है। इसके अलावा पीछे अबेंडेंड क्वार्टर्स हैं जो कि वर्किंग थे ही नहीं काफ़ी अरसे से, उसके आसार नज़र आ रहे हैं। तो ये छोटा सा रेलवे स्टेशन और लोकेशन जो है वो बिल्कुल ही रिमोट। और नीचे जैसे ये खाई आपको नीचे नज़र आ रही है, इस खाई के अंदर ट्रैक है आगे जी। स्टेशन मास्टर साहब के रूम से अगर आप ट्रैक की तरफ जाएं तो ये वो रास्ता है। और सामने ये जो शेड बना हुआ है ये ख़ास तौर पे बना हुआ है स्टेशन मास्टर साहब के सब्ज़ झंडी लहराने के लिए। यहाँ से ये सामने डाउन साइड, यानी कि अगर दीना से ट्रेन आ रही है उस साइड से तो वो ऐसे गुजरेगी और इधर आगे रावलपिंडी चली जाएगी। तो बहुत ही यूनिक ये स्टाइल का रेलवे स्टेशन था और यहीं से स्टेशन मास्टर साहब ऊपर से झंडी लहरा देते थे। तो नीचे आप ट्रैक देख रहे हैं, मेन लाइन 1 सिंगल ट्रैक है और साथ लूप लाइन है जिसके स्विचेस वगैरह जो हैं वो कट ऑफ हो चुके हैं, वो आपको मैं नीचे चल के दिखाऊँगा। दोस्तों अभी आपको दिखाते हैं 8 डाउन तेजगाम और 4551 GU20 इसको लीड कर रहा है। तो अभी डिफरेंट लोकेशन पे मैं चलता हूँ और वहाँ से इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे। देखते हैं इधर से कोई मिलती है जगह देखने के लिए या नहीं। वैसे ब्लॉक है सारा क्योंकि आगे दरख्त है, इधर सारी झाड़ी हैं। थोड़ा और ऊपर जाके देखते हैं। सारा ब्लॉक है इधर से। मेरे ख्याल में नीचे जाना पड़ेगा मुझे क्योंकि डोमेली स्टेशन पहुंच चुकी है तेजगाम। यार्ड के अंदर से ही कवर करते हैं जी एयर डाउन को। सामने बोर्ड लगा हुआ है स्टेशन का, उधर चलते हैं। आप सामने देखें जो सिग्नल पोस्ट नज़र आ रही हैं उसके ऊपर से जो सिग्नल की जो आर्म्स थी वो हटा ली गई हैं। किसी भी एक पोस्ट पे भी सिग्नल की आम नज़र नहीं आ रही। इधर भी देखें जी, आपने हॉर्न सुन लिया तेजगाम के लोकोमोटिव का। और सुबह के 9:27 हुए हैं और तकरीबन 7 मिनट अर्ली आ रही है। एयर डाउन तेजगाम सुबह 8 बजे निकली है रावलपिंडी से और मंजिल है इसकी कराची कैंट। जी 4551 GU20 नज़र आया आपको। तेजगाम पास होगी अबेंडेंट रेलवे स्टेशन रतियाल से और आपको 85 किलोमीटर पर आवर का बोर्ड नज़र आ रहा है जो कि इस घाट सेक्शन में स्पीड है। यहाँ से आगे थ्रू आउट झेलम रेलवे स्टेशन तक और फिर झेलम से दोबारा आगे रिवर है क्यों, तो वहाँ से 70 किलोमीटर की स्पीड दोबारा से शुरू होगी। सामने अब आपको रतियाल रेलवे स्टेशन की एक छोटी सी मस्जिद बनी हुई नज़र आ रही है। उसके बाद इस साइड पे आए तो ये टिकट काउंटर भी बना हुआ है। अब सोचने की बात ये है कि ये तो जंगल था और किस दौर में यहाँ पे टिकट जो है वो सेल होते होंगे, पर ये है कि आपके सामने आसार मौजूद हैं टिकट काउंटर के। तो ये बैक साइड आप देख रहे हैं रतियाल रेलवे स्टेशन की। सामने टॉयलेट बनी हुई है, बहुत ही खूबसूरत दरख्त भी मौजूद हैं यहाँ पे। शैतूत का दरख्त, एक छोटा सा बागीचा बना हुआ है ये सामने जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त जो हैं वो मौजूद। अब सोचने वाली बात ये होगी कि इन दरख्तों का ख्याल रखने वाला कोई नहीं होगा यहाँ पे। जी हस्बे मामूल जो पंजाब साइड पे स्टेशन आप देखते हैं मोस्टली उन पे बरगद का दरख्त जो है वो लाजमी मौजूद होता है, वो यहाँ भी मौजूद है। और ऊपर बुलबुल जो है काफ़ी तादाद में बैठी हुई है इस पे। और ये आप देखें एक टीन का जो है डब्बा नज़र आ रहा है, इसके अंदर कोयले जले हुए पड़े हुए हैं। और ये आसार हैं कि रेलवे स्टेशन जो है वो वर्किंग में था। जी सामने आपको अबेंडेंड वाटर टैंक नज़र आ रहा है जो कि ब्रिटिश राज की एक यादगार मौजूद रतियाल रेलवे स्टेशन पे, और मेटल का बना हुआ है ये, अंदर से बिल्कुल खाली। तो दोस्तों नेक्स्ट ट्रेन देखने से पहले आपको मैं एक और यहाँ पे प्लांट दिखाता हूँ। ये एलोवेरा लगा हुआ है यहाँ पे, ये देखें, और बहुत ही यूनिक जो है ये भी एक प्लांट है जो कि मौजूद इस वक्त भी रतियाल रेलवे स्टेशन पे, एक ही नज़र आ रहा है, इसके अलावा नहीं है। और तो अभी जो हमारे दोस्त और साथी हैं उनका ज़रा मैं आपको चेहरा करा दूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हसनैन साहब अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। और मुझे ये बताओ, जब तुम आए थे लास्ट टाइम सुफियान के साथ तो क्या यहाँ पे सीन था उस वक्त? उस वक्त तो माशाल्लाह से ये वर्किंग में था, लूप लाइन बाकायदा वर्किंग में थी। तो इस जहाँ पर कैबिन मैन है वहाँ ड्यूटी पे था, स्टेशन मास्टर साहब ड्यूटी पे थे उस वक्त, स्टेशन मास्टर साहब थे, और गर्मियाँ थी काफ़ी उस वक्त भी, मैं रमज़ान में आया था। अच्छा अच्छा। तो सुना यहाँ तुम लोग ट्यूबवेल के अंदर नहाते रहे थे? ज़बरदस्त सीन था, रमज़ान था वो गर्मियों में, तो हमें एक निम्मत मिल गई थी, मोटर लगी हुई थी इधर, मोटर चला के हम नहाए इधर आराम से। ASM साहब भी हमारे साथ इधर, सही मौज मस्ती की। अच्छा, यानी कि सही एंजॉय किया, सही एंजॉय किया। उस वक्त वर्किंग में था, अब तो अबैंडन हो गया। ये फिर आप कम से कम 4 साल पहले आए हो, क्योंकि अब तो रमजान जो है वो बहुत अच्छे मौसम में है। बिल्कुल, उस वक्त गर्मी थी बहुत, जून जुलाई वाला था रमजान। जी दूसरे भाई हमारे जैन गुजरात से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फैम भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। यार आपका तो बिल्कुल भी पता नहीं था, आपने सरप्राइज दिया है। और मुझे हसनैन को कहा था, मैंने कहा फहीम भाई को ना बताना, चले ऐसे मैं आता हूँ। वेरी गुड यार, बड़ा अच्छा लगा। सराय आलमगीर का था। हाँ हाँ, तो सराय आलमगीर इकट्ठे ही करेंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, वो भी रहता है हमारा स्टेशन। तो बड़ा अच्छा लगा आपको देख के यहाँ पे। आप भी गुजरात अब आए, इंतजार है रमजान में। इंशाल्लाह रमजान में ही आऊँगा, दोबारा आऊँगा। रेलवे स्टेशन की जो मेन इमारत है उससे अगर आप यार्ड की तरफ जाए नीचे, तो ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, और आज भी उसी पुराने तर्ज पे मौजूद है यहाँ पे। तो अभी चलते हैं नीचे और आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्रेन दिखाते हैं। आ जाओ भाई, ट्रेन निकल जाएगी, बातें होती रहेंगी। चलें जी, माइलस्टोन नंबर आप देख लें 1409.4, और सामने आपको अबेंडेंड सिग्नल कैबिन नज़र आ रहा है जो कि अप साइड का कैबिन है, और इस साइड पे जो है वो डाउन साइड का आगे, और नीचे ये ट्रैक। यहाँ पे मैं आपको देख के बताऊंगा भी कि ये ट्रैक डला हुआ कौन सा है। यहाँ पे सामने लूप लाइन जो ख़त्म हो चुकी है अब, और ये रतियाल का कैबिन यहाँ से ऊपर जाके भी दिखाता हूँ आपको मैं। ये लॉक हुआ है, और ये अंदर आपको लेवर्स नज़र आ रहे हैं सारे। दोस्तों 100 आरी की रेल यहाँ पे डली हुई है, यानी कि 100 पाउंड की रेल जो होती है। और अभी चलते हैं हम आगे, और आपको जो सिग्नल कैबिन है डाउन साइड वो दिखाते हैं। सामने देखें बोर्ड है रतियाल रेलवे स्टेशन का, लेकिन सामने आप देख लें 2 सिग्नल पोस्ट आपको नज़र आ रही हैं जो कि ख़त्म हो चुकी हैं, अबैंडन हो चुकी हैं, और उनके जो ऊपर आर्म्स थी वो हटा ली गई हैं। और वैसे भी दोस्तों मैं आपको बहुत अरसा पहले जब ML1 से रिलेटेड जो रिहेबिलिटेशन थी उससे रिलेटेड जो मैंने वीडियोस बनाई थी उसमें आपको बताया था कि जो कम से कम डिस्टेंस है PC1 के अंदर मेन लाइन 1 की रिहेबिलिटेशन में वो 30 किलोमीटर है, यानी कि 30 किलोमीटर की हदूद में एक के बाद दूसरा स्टेशन आएगा, तो इसके अंदर स्टेशन जो होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। और लाजमी सी बात है फिर उसकी ज़रूरत भी नहीं रहेगी क्योंकि ट्रेन की स्पीड बढ़ जाएगी। फिर ये जो छोटे छोटे स्टेशंस अंग्रेज़ राज में बने थे ये बेसिकली टेक्निकल स्टेशन थे क्योंकि स्लो ट्रेन चलती थी और फिर सिंगल लाइन थी तो ट्रेन्स को क्रॉसिंग की ज़रूरत पड़ती थी। इस वजह से ये हर 8 से 10 से 12 किलोमीटर के अंदर स्टेशन बनाए गए थे। अभी नीचे आप लूप लाइन देख रहे हैं रतियाल की, जिसको कट कर दिया गया है, मेन लाइन से हटा दिया गया है और वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ से ये कट हो गई लाइन, ये कट हुई भी है और फिर ये सारा नीचे आपको ट्रैक के आसार नज़र आ रहे हैं और यहाँ से ये ट्रैक जाके मिलता था मेन लाइन के साथ। तो एक ही लूप लाइन थी रतियाल स्टेशन पे, क्योंकि जो दूसरी साइड है उस पर ये टीला है तो एक ही लूप लाइन से काम चलाया जा रहा था यहाँ पे, जिसको अब बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया। तो अभी सामने आपको जो सिग्नल केबिन है वो दिखाते हैं और फिर वापस चलते हैं स्टेशन की इमारत की तरफ। लेकिन सामने आप देख लें केबिन, इस पे 4 लेवर्स लगे हुए हैं, ब्लैक, ब्लू, रेड और ग्रीन, ये कलर्स हैं इनके। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि सुना ये है कि यहाँ पे जो ट्रैक था उसकी हाइट जो थी पहले ज़्यादा थी और बाद में अंग्रेज़ राज के अंदर ही क्योंकि ग्रेडियंट बढ़ गया था तो इसको फिर दोबारा जो है नीचे लाया गया और यहाँ पे बनाया गया। तो जो पुराने आसार हैं ट्रैक के वो आप ऊपर देखें, आपको एक वो होल नज़र आ रहा है जो कि एक पुली है और पुली के नीचे पानी उतरने का रास्ता बनाया गया। तो एक्चुअल बेड जो था वो ये ऊपर नज़र आ रहा है आपको। और इस तरह अगर देखें तो जो स्टेशन की बिल्डिंग है उसके करीब से उसी हाइट पे ही जो ट्रैक है वो गुजरता था। इसके अलावा आप देखें कि जो सैंड हब होता है सेफ्टी के लिए जो बना होता है रेलवे स्टेशन पे, उसकी लाइन भी कट ऑफ कर दी गई है और इसके आसार ये नीचे देखें आपको नज़र आ रहे हैं और कट ऑफ करके अलग कर दी गई है मेन लाइन से। जो स्विचेस अलग हुए हैं वो ये पड़े हुए हैं सामने और सामने आपको सैंड हब नज़र आ रहा है। तो एक बार आपको बता दूं दोस्तों जिनको नहीं पता, जब गाड़ी ओवरशूट हो जाती है, काबू से बाहर हो जाए, तो फिर स्टेशन मास्टर जो हैं वो ट्रेन को सैंड हम्प वाली लाइन के ऊपर डाल देते हैं ताकि ट्रेन मज़ीद आगे जो है वो रोल ना करे और नुकसान से बचे और यहाँ पे आकर रुक जाए। तो दोस्तों नेक्स्ट ट्रेन इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं 101। अब सुबह की रफ्तार लाहौर से निकली सुबह 7 बजे और मंजिल है उसकी रावलपिंडी, जिसको हम कवर करेंगे। सामने आपको जो एक शेड नज़र आ रहा है छोटा सा, ये वही शेड है जहाँ से स्टेशन मास्टर साहब झंडी लहराते होते थे। तो उधर चलते हैं ऊपर और वहाँ से आपको कवर करके दिखाते हैं। लें जी 10:15 हुए हैं सुबह के और G 24 554 लीड कर रहा है 101 अप। सुबह की रफ्तार रेल कार सुबह 7 बजे निकली है जी लाहौर से और मंजिल इसकी रावलपिंडी। दोस्तों 3 ट्रेन्स आप देख चुके हैं अबेंडेंड रतियाल रेलवे स्टेशन पे। अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं आप साइड पे और सामने एक बरगद का दरख्त नज़र आ रहा है और उसके साथ एक इमारत है, वो भी आपको दिखाते हैं। क्या ज़बरदस्त सीन है यार, बरगद का एक दरख्त दरमियाने कद का और उसके साथ बनी हुई दो क्वार्टर्स नज़र आ रहे हैं आई थिंक हैं, पर ये सब पुराने दौर के। सबसे पहले तो दरख्त देखें आप, कितना यूनिक पेड़ है ये बरगद का। वाह वाह क्या बात है। इसकी लंबी लंबी ये दाढ़ी हैं, छोटे होते हम कहते थे, और टंगी भी हैं। इधर से चलते हैं आगे। ले जी, लॉक्स लगे हुए हैं, ताले लगे हुए हैं इन कमरों के ऊपर। एक इधर है, और इसके ऊपर आप देखें छत पे वेंटिलेशन के लिए वो ख़ास एक गोल से पाइप होते हैं, वो लगे हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा ये बैक साइड सामने से जैन आया और मैं डर गया, मुझे लगा शायद कुछ भूत निकल आया इधर से। कपड़े भी टंगे हुए अंदर। हाँ जी, इसकी छत जो है मुझे लगता है ये धुएं से काली हुई भी है। हाँ जी, यहाँ पे लकड़ी वगैरह जलाते होंगे क्योंकि सामने जगह बनी हुई चूल्हे की, तो सारी छत जो है वो ब्लैक हुई भी है। ये देखें ये कमरे अंदर पुराने कपड़े लोगों के टंगे हुए हैं। और सबसे यूनिक चीज़ एक और नज़र आ रही है कि ये किसी की जर्सी जो है हैंग हुई हुई है, उस जर्सी के ऊपर पीली मक्खियों वाला जो छत्ता है वो बन चुका है। ये देखें, तो इसकी जो ड्यूरेशन है अबेंडेंस की वो आपको समझ में आ रही होगी कि कितने अरसे से ये रूम जो है अबेंडेंट है। इधर भी कुछ कपड़े टंगे हुए हैं किसी के। और ये दूसरा रूम, अभी स्टेशन से थोड़ा सा अप साइड की तरफ मैं आ गया हूँ आगे, और यहाँ से होपफुली एक या दो ट्रेन और कवर करेंगे और फिर इस वीडियो को करेंगे हम ख़त्म। ये देखें जी क्या यूनिक ब्रिज बना हुआ है पत्थर का, और है भी ब्रिटिश दौर का। ये इलाके वालों के लिए बनाया गया। इस तरफ जीटी रोड है आगे तकरीबन 3-4 किलोमीटर, और इधर पीछे कोई गांव होगा, इस वजह से ये ब्रिज भी मौजूद है यहाँ पे आज तक। उसकी बनावट देखें आप, इस तरफ से ज़्यादा अच्छी लाइट है। ये देखें आज तक ये 150 साल से यहाँ पे मौजूद। सामने आपको अप साइड नज़र आ रही है आगे। पहला रेलवे स्टेशन, यहाँ से आगे जाएँ तो डोमेली, और फिर इसी तरह ही आगे जो है गोजर खान, रावलपिंडी, और फिर अटक और पेशावर। तो 47 अप आ रही है अभी, इंशाल्लाह उसको कवर करेंगे हम यहाँ से। नहीं जी, एक और लोकेशन भी है, उस ब्रिज को तो आपने देख ही लिया। अभी जो सिग्नल पोस्ट लगी हुई है यहाँ पर, उस साइड पर ऊपर चलते हैं और इधर से देखते हैं कि आगे अगर कोई लॉन्ग जूम का कोई नज़ारा नज़र आता है तो फिर उधर से कवर करते हैं। सामने आपको दीना शहर नज़र आ रहा है, और लोकेशन मैं आपको पहले दिखा दूं अपनी। उसके बाद रतियाल रेलवे स्टेशन का जो हमने रेडियो बूस्टर देखा था वो ये लगा हुआ है। उसके अलावा जो क्वार्टर्स थे वो अबेंडेंट रेलवे वो ये हैं बरगद के दरख्त के साथ। और ये है नीचे ब्रिज। और नीचे आप देख रहे हैं मेन लाइन। तो पोजीशन सेट है, इंशाल्लाह यहाँ से कवर करते हैं। 47 अप रहमान बाबा एक्सप्रेस जो दीना पहुँच चुकी है और तकरीबन 5 से 7 मिनट में यहाँ से गुजरेगी। अभी आपने बहुत ही खूबसूरत पासिंग देखी 47 अप रहमान बाबा एक्सप्रेस की। कराची से निकली हुई है और मंजिल इसकी पेशावर। जी एक बार फिर लोकेशन चेंज की है। अभी आप देखेंगे 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस पेशावर से निकली है कोटा के लिए और डोमेली रेलवे स्टेशन क्रॉस कर चुकी है। सामने देखें जैन, सामने वाली जो है वो पहाड़ी पे, इसके बाद इधर जो है हसनैन और यहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ और ये मेरा व्यू है। GU 24560 लीड कर रहा है 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस को। दोस्तों आज की आखिरी ट्रेन रतियाल रेलवे स्टेशन पे 13 अप अवाम एक्सप्रेस 12:45 हुए हैं दोपहर के और GU 24570 लीड कर रहा है इसको। कल सुबह कराची से रवाना हुई और मंजिल इसकी पेशावर। तो दोस्तों आज आपने देखी रतियाल अबेंडेंट रेलवे स्टेशन की वीडियो। एक बार फिर बता दूं कि रतियाल रेलवे स्टेशन को स्टाफ की कमी की वजह से बंद कर दिया गया। रावलपिंडी डिवीज़न का ये रेलवे स्टेशन और काफ़ी अरसे से एज ए टेक्निकल रेलवे स्टेशन काम कर रहा था, तो बहुत ज़बरदस्त लोकेशन थी और अच्छे मौसम के अंदर हमने इसको यहाँ पे कवर किया, ना गर्मी ना सर्दी। तो इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।